से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2001-2 इज एज अंडर, जिसमें सेल्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, ये सब कुछ अमाउंट्स में हमारे पास में दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बोला है द प्रोडक्शन एंड सेल्स टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन क्यों है पता है? जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाते हैं उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है, एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट है, रॉ मटेरियल आर कैरिड इन स्टॉक फॉर 1 month एंड फिनिश गुड्स फॉर 1/2 month। द प्रोडक्शन साइकिल टेक्स फॉर 1 month। देर इज अ कस्टम इन मार्केट टू गिव 2 months क्रेडिट बोथ फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स। जो कोई भी हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं वो दोनों के लिए भी हमें 2 महीनों का क्रेडिट मिलता है। फिफ्थ इंफॉर्मेशन दिया है, 25% ऑफ द सेल्स आर कैश एंड बैलेंस ऑन अ क्रेडिट। मतलब ओवरऑल जो सेल्स हैं, जो हम लोगों ने पिछले कुछ सम्स में ओवरऑल सेल्स हमारा एज अ क्रेडिट सेल हम लोग ट्रीट करते थे, उनके लिए यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिए हैं कि 25% जो है वो कैश सेल होगा, बाकी का बचा हुआ क्रेडिट सेल है। आगे दिया है द कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक इज एस्टिमेटेड एट 25,000 rupees। डायरेक्टली अमाउंट दी हुई है फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। और एडिशनली हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस जो होगा वो कोर करंट असेट 12% कंसिडर करने के बाद कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करके देना। इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखना हमेशा कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करो, या फिर उसके साथ हमें टंडन कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से MPBF कैलकुलेट करके देना होगा। ओके, तो गिवन क्वेश्चन में जो हम लोगों ने फॉर्मेट में सेल्स इन अमाउंट्स, वीकली सेल्स यूनिट्स, फिर बाद में वीकली कॉस्ट स्ट्रक्चर, अमाउंट रिक्वायरमेंट्स, या फिर स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल, जो वीकली हमारे पास में अवेलेबल था वो वीकली इसी तरह से फॉर्मेट में हम लोगों को वीक में कंसिडर करना होगा, या फिर उसमें कुछ माइनर चेंजेस करने होंगे, आप लोग बताओ। चलो अनम्यूट करके आंसर दो। We will make it to monthly. Very good. We will make it to the monthly. Why monthly requirements? Because जो question है उस question में जो period दिया हुआ है, जो holding period या credit period दिया हुआ है, वो हमें in months में दिया हुआ है। तो जो कोई भी amounts की requirement होगी हमें for various expenditures, वो सभी हम लोग per month के लिए calculate कर लेंगे पहले, और उसके basis पे गिवन रेस्पेक्टिव पीरियड्स को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सेल्स इन अमाउंट, अब सेल्स इन अमाउंट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कहीं पर है ही नहीं, ना ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, हमें डायरेक्टली सेल्स की फिगर यहाँ पर दी हुई है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिगर थी ना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के लिए, या फिर कैलकुलेशन जो था, इस कैलकुलेशन को यूज करेंगे ही नहीं। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अमाउंट लिख देंगे जो पर एनम हमें पूछी गई थी या क्वेश्चन में दी गई है, सेल्स की कितनी है, 18 lakh rupees। ओके, वीकली सेल्स यूनिट्स की जगह पे हमें यहाँ पर अगर होते यूनिट्स तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मंथली यूनिट्स, मंथली सेल्स यूनिट्स। लेकिन मंथली सेल्स यूनिट्स निकालने के लिए सेल्स इन यूनिट्स पर एनम और टोटल वीक इन अ ईयर, या फिर इसके अलावा टोटल मंथ इन अ ईयर जो कैलकुलेशन बनता वो यहाँ पर फॉर्मूला होता अगर हमें यूनिट्स दिए जाते तो हम लोग ये भी क्राइटेरिया जो है
वो हम लोग इस्तेमाल करने वाले ही नहीं हैं। तो अल्टीमेटली सेल्स इन अमाउंट अलग से लिखना या फिर उसे रिपीट करना, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग फाइनल एग्जाम्स में उसे प्रिपेयर करेंगे ही नहीं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें पूछा जाता है वो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली फॉर्मेट में वीकली प्रिपेयर करते हैं। आज हमें रिक्वायरमेंट है कॉस्ट स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिंगल मंथ, फॉर वन मंथ, ठीक है, जो हमारी अमाउंट यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारे फॉर्मेट। कौन कौन से एक्सपेंसेस या कौन कौन से आइटम जिनके लिए अमाउंट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। पहला सेल्स, 18 लाख रुपीस का सेल्स दिया हुआ है, राइट। ये जो कोई भी फिगर दी हुई है इन फिगर को हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोला गया है। द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर कितना है, 2001 एंड 2, राइट। द बजटेड प्रॉफिट और लॉस जो कोई भी है वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर ईयर के लिए दिया हुआ है, राइट। अगर ये एक साल के लिए है तो हमें इसे क्या करना होगा, मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली जो कैलकुलेशन हमारा बनता है वो क्या, किस तरह से बनता है, कोई बता सकता है? डिवाइड बाय 12, राइट। जो कैलकुलेशन के पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स इन अ ईयर, दैट इज 12 मंथ्स। हर एक जगह पे 12 मंथ्स ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, फिगर बन जाएगी 12 मंथ्स। सॉरी, यहाँ पर जो कैलकुलेशन दिख रहे हैं वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में दिख रहा है, इसे हम लोग जनरल में लेके आते हैं 12 मंथ्स। और जो अमाउंट हमारे पास में अवेलेबल है इंडिविजुअल आइटम के लिए, रेस्पेक्टिव आइटम्स के लिए, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अब रॉ मटेरियल या सेल्स, जो कोई भी जिस तरह से फिगर दी हुई है, नो डाउट कि कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते वक्त रॉ मटेरियल से लेकर स्टार्ट करके सेल्स तक कंटिन्यू करो, या फिर वाइस वर्सा, सेल्स से स्टार्ट करके एक एक एक्सपेंसेस लेस करो और प्रॉफिट मिलना। दोनों तरीके से कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना एक तरह से सेम ही होता है, ओके? लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर इस तरह से प्रिपेयर क्यों करना है, तो जब हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट में, तो उस जगह पे कहीं कहीं जगह पे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या फिर प्रॉफिट या सेल्स, इनकी अलग अलग फिगर्स हम लोगों को यूज करनी होती है, तो हम लोग वहाँ पर इस तरह से कॉस्ट स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। सो रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 720,000 रुपीज़ हमारा रॉ मटेरियल था 12 मंथ्स के लिए, तो एक महीने के लिए कितना, 86,40,000। अमाउंट कंफर्म करो एवरीवन, अमाउंट कंफर्म करो। नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कल के क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूला जो इंसर्ट किया था वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था, जो यहाँ पे यूनिट्स इनटू रेट के लिए फॉर्मूला था। आज क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय 12, अमाउंट डिवाइडेड बाय 12, मतलब फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा 720,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स एंड द आंसर विल बी 60,000 रुपीज़। सिमिलर कैलकुलेशन फॉर लेबर, अब ये 5,40,000 जो थे उन 5,40,000 को डिवाइड करके आप लोग मुझे आंसर बताओगे, चलो फटाफट हर एक के लिए। 5,20,000 डिवाइड 12, आंसर कितना आना चाहिए आप बताओ, फिर बाद में मैं एंटर प्रेस करूँगा। कितना आएगा आंसर, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करने वाला, राइट। 5,20,000 डिवाइडेड बाय 12, अरे ये क्या 43 क्यों आया, अच्छा 5,40,000 है।
45,000। ओके, चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं करेगा, आपको अनम्यूट करके ही आंसर देना है। ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स तो क्वेश्चन में कहीं पर दिए हैं क्या, आप लोग बताओ तो। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखा है कि ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज अ ओवरहेड्स, राइट। लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन दोनों को टोटल सम अप करके हम लोग वहाँ पे लिखते हैं एज इट इज ओवरहेड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में सॉल्व करते थे, तब हम लोग प्राइम कॉस्ट जिसमें आने वाले रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और साथ ही साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम लोग कंसिडर करते थे, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग ऐड करते थे, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते थे, तब हमें मिलती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट की तरह यहाँ पर ट्रीट करनी है। अब ओवरहेड्स मतलब जो एक्सपेंसेस है वो हमारे हैं 1,80,000। 1,80,000 डिवाइड 12, आंसर आया 15,000, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के लिए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ से मिलेगी? इन तीनों की टोटल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो टोटल नहीं दी हुई है, तो क्या हमारे पास में सेल्स दिया है क्या? एक तो टोटल करके तो आएगा ये आंसर, नो डाउट, लेकिन जो सेल्स की फिगर दी है, चलो बैक कैलकुलेशन करके क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। 18 लाख सेल्स की फिगर डिवाइड 12, 1,50,000 विल बी द अमाउंट रिक्वायरमेंट फॉर पर मंथ। प्रॉफिट के बारे में अगर सोचें तो प्रॉफिट हमारा है 3,60,000, तो 18 में से 360 माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। एवरीवन जस्ट कंफर्म करो कि इन तीनों की टोटल और इन दोनों का डिफरेंस दोनों भी 14,40,000 आना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स एडलेस करके कैलकुलेशन करके, और जो फिगर हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की है उन्हें भी हम लोग यहाँ पर बोल्ड करके रखेंगे। टोटल फैक्टर कॉस्ट, क्लियर। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारे लिए आता है विच इज रिलेटेड टू द WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली अमाउंट बताओगे। वर्किंग प्रोग्रेस के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली अमाउंट बताएंगे कि यहाँ पर क्या अमाउंट आनी चाहिए। आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोलो किसी ने भी आंसर किया। 90,000, यस करेक्ट आंसर, 90,000। ये 90,000 जो हमें मिले ये WIP के लिए वैल्यू है, एक महीने के लिए, फॉर पर मंथ, सिंगल मंथ। किस तरह से आए 90,000? रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अब जो नए हैं उनको लगेगा कि सर 60,000, 45,000 और 15,000 इन सभी की टोटल तो एक्चुअली होती है 1,20,000, तो यहाँ पर 90,000 कैसे आए? सो यहाँ फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था जो एज पर मेथड वन के लिए है WIP कैलकुलेशन के लिए। रॉ मटेरियल 100% लेंगे और लेबर और ओवरहेड्स 50%। लेबर ओवरहेड्स टोटल कितना है? 45 + 15, 60,000। उनका हाफ 50%, 30,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 90,000। सो रॉ मटेरियल जो होगा, रॉ मटेरियल एज इट इज 60,000 लेंगे प्लस 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स, दैट इज 45,000 प्लस 15,000।
आंसर विल बी 90,000। इसी के बेस पे अब हम लोग को एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जिसमें रेगुलर कैलकुलेशन पीरियड इनटू अमाउंट, ये अमाउंट कहाँ से मिलेगी, तो अमाउंट हम लोगों को जो पर मंथ हम लोगों ने कैलकुलेट की है वो अमाउंट यहाँ से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और पीरियड जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए वो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलो इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है हमें, और रॉ मटेरियल के लिए अब हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी एक महीने के लिए। कौन आंसर कर सकता है इसके लिए कि कैलकुलेशन में दोनों जगह पे कौन कौन सी फिगर्स आएगी? एवरीथिंग जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऑलरेडी। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। रॉ मटेरियल के लिए पीरियड आएगा 1 month, ओके, और अमाउंट आएगी 60,000। वेरी गुड, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल आंसर। एक महीने की रिक्वायरमेंट है, एक महीने का होल्डिंग पीरियड होगा, तो सिमिलर अमाउंट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए वही हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देन व्हाट अबाउट द फिनिश गुड्स? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के लिए क्या होगा, कौन सी वैल्यू कंसिडर होगी? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, याद है क्या हम लोग लिखते थे साइड में यहाँ पर कौन सी वैल्यू कहाँ से लेनी है? रॉ मटेरियल और क्रेडिटर्स के लिए रॉ मटेरियल की वैल्यू, रॉ मटेरियल की प्राइस, फिनिश गुड्स के लिए टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, डेटर्स के लिए सेल्स, राइट, और WIP के लिए अलग से हम लोग कैलकुलेट करते ही हैं। तो फिनिश गुड्स के लिए जिन्होंने आंसर दिया तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, वेरी गुड आंसर, 1,20,000 यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन जो पीरियड होगा वो पीरियड कितना होगा? हाफ मंथ, हाफ मंथ, राइट, मतलब 0.5। WIP के लिए कैलकुलेशन सिंपल है, चेक करो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की जो दी हुई है उसमें कहीं पर आपको आंसर मिलेगा। वन मंथ, ये 1 month कहाँ पे है? पॉइंट नंबर 3, द प्रोडक्शन साइकिल टेक्स 1 month। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? कन्वर्जन प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, राइट। WIP जो होता है उन्हीं के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, ये है 1 month के लिए, और WIP की वैल्यू है 90,000 rupees। डेटर्स, डेटर्स के बारे में कुछ बोला गया है हमें, डेटर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, जो टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया था, राइट, पहले कुछ क्वेश्चन में, लेकिन आज इंफॉर्मेशन में क्रेडिट सेल कितना है, तो इसके लिए जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें इंफॉर्मेशन दी है 25% ऑफ द सेल आर फॉर कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, मतलब 75% ये हमारा क्रेडिट सेल होगा, बट किसका, तो 75% ऑफ ₹18 lakh, 75% ऑफ द 18 lakh। अब मुझे बताओ सच में 18 lakh आएगा या 1,50,000 आएगा? मेरा क्वेश्चन है 1,50,000। ओके, 1,50,000 एक ने आंसर दिया, हाँ दोनों का एट द एंड सेम ही आएगा, दोनों का एट द एंड सेम ही आएगा मंथली कैलकुलेशन।
राइट, मंथली कैलकुलेशन यहाँ पर सेम आएगा क्या? ये जो 75% ऑफ 18 लाख जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमें थ्रू आउट द ईयर का वैल्यू मिलेगा, राइट? अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की वैल्यू मिलेगी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे करके रखी है, राइट? तो इसे कैलकुलेट करते वक्त 75% ऑफ द 18 लाख, ये जो डेटर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1,50,000 कंसिडर करेंगे, तो हम लोगों को 1 महीने की वैल्यू मिलेगी क्रेडिट सेल की। गॉट इट? एनीवन, किसी को नहीं समझाइए, अनम्यूट करके बोलो। अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 18 लाख जो हमारा सेल था वो पूरे साल भर के लिए था, उसे डिवाइड किया हम लोगों ने 12 से, तो हमें मिला 1 महीने का सेल 1,50,000 रुपीज़। ये 1,50,000 रुपीज़ हमारा टोटल सेल है, जिसमें से 25% कैश सेल है, तो बचा हुआ 75% हमारा क्रेडिट सेल होगा फॉर अ सिंगल मंथ। तो 75% ऑफ द 1,50,000, 1,50,000 इंटू 75%, सो 1,12,500, ये हमारा 1 महीने का क्रेडिट सेल होगा, जिसके लिए हम लोग डेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट यूज करेंगे, राइट? डेटर्स के लिए जो कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कोई आंसर कर सकता है? वेरी गुड, इट इज 2 मंथ्स। सो डेटर्स की रिक्वायरमेंट हो गई 2,25,000। अदर एक्सपेंसेस तो कुछ, सॉरी, अदर असेट्स, अदर करंट असेट तो हमें कुछ दिख नहीं रही है। लाइबिलिटीज के बारे में सोचें तो अगर रॉ मटेरियल है तो हमारे पास में वहाँ पे क्रेडिटर्स आएंगे ही आएंगे, बस बाकी जो आइटम्स हैं वो। हाँ बोलो। कैश ऑन हैंड का क्या करेंगे? राइट, कैश ऑन हैंड भी हमारे पास में एडिशनल एक असेट है, और कैश कितनी है कुछ बोला गया है क्वेश्चन में, तो हाँ हमारे पास में कैश के लिए भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी, और हम लोगों ने सीखा भी था कि अगर कैश हमें रिकॉर्ड करनी है तो कंपनी की जो पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के हिसाब से हम लोग कैश वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं एज इट इज अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कैश के लिए कुछ मंथ या अमाउंट इनका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं दिया जाता है, जनरली कैश की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में लिखी जाती है। फिर भी अगर हम लोग मंथली रिक्वायरमेंट कर निकालते हैं तो उसके बाद, मतलब 6 महीनों के लिए, सॉरी 6 महीनों के लिए हमें कैश रिक्वायर्ड है ऐसा अगर बोला जाता, और ये 25,000 1 मंथ के लिए दिए हैं ऐसा अगर दिया होता इन्फॉर्मेशन, तो 25 × 6 जो हमारे लिए अमाउंट मिलती वो हम लोग 150 यहाँ पर रिकॉर्ड करते। लेकिन इन्होंने बोला था कि कहा गया कैश एंड कैश ऑन हैंड एंड बैंक इज एस्टिमेटेड ₹25,000। तो ये ओवरऑल पीरियड के लिए जो वर्किंग कैपिटल हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए ओवरऑल पीरियड के लिए हमें 25,000 की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए अलग से कोई कैलकुलेशन बनेगा ही नहीं। तो इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश, ये सभी रिकॉर्ड करने के बाद हमें मिलती है टोटल करंट असेट। फिर आते हैं हम लोग क्रेडिटर्स के पास। अब क्रेडिटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है क्या, जैसे डेटर्स के लिए दी थी क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कितना था 75%, तो ऐसे क्रेडिट परचेस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है, हाँ या ना? आपके पास क्वेश्चन यहाँ को स्क्रीन पर सामने है, देख कर बताओ। एनीवन, कहीं पर क्रेडिट या कैश सेल के लिए, सॉरी क्रेडिट या कैश परचेस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या? टू
मंथ सर। हाँ वो पीरियड है 2 months का, राइट। मैं सेल जो हमारा परचेस है, रॉ मटेरियल जो हम लोगों ने परचेस किया है, सब वो 720 पूरे साल भर का है। एक महीने का 60,000 हम लोगों ने निकाल के रखा, लेकिन इसमें से कुछ कैश परचेस है और कुछ क्रेडिट परचेस है। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या जिस तरह से हमारे पास में डेटर्स के लिए दिया था, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करते हो कि यहाँ पे 75% ऑफ 150 निकाल के क्रेडिट सेल फाइंड आउट किया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो प्रोडक्शन इसके में कुछ नहीं है, रॉ मटेरियल के लिए और फिनिश गुड्स के लिए यहाँ पर होल्डिंग पीरियड्स दिए हुए हैं, प्रोडक्शन साइकिल के लिए इंफॉर्मेशन दी है, डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए होल्डिंग पीरियड दिया है, जबकि कैश सेल्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। अगर कैश परचेस के बारे में या क्रेडिट परचेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती तो उन लोगों ने जिस तरह से डेटर्स के कैलकुलेशन की है इस क्वेश्चन में, उसी तरह से कुछ एडिशनल कैलकुलेशन हमें क्रेडिटर्स के लिए भी करने पड़ते। तो गिवन क्वेश्चन में जो 60,000 रुपीज़ हमारी रॉ मटेरियल की अमाउंट पर मंथ के लिए है, वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 60,000 रुपीज़। और जो होल्डिंग पीरियड है वो होल्डिंग पीरियड डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों के लिए 2 months का था, तो 1,20,000 रुपीज विल बी आर अमाउंट, सॉरी, राइट, 1,20,000 रुपीज। वेजेस सर हाँ बोलो। टोटल करंट एसेट विल बी 4,60,000 ना। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आई थिंक ये 25 फॉर्मूला में नहीं हुए, राइट, माय बैड, 4,60,000। थैंक्स, थैंक यू। मैंने एक्सेल में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एडिशनल फिगर्स ऐड की थी जो हम लोग फॉर्मूला में लेना भूल गए। ओके, तो क्रेडिटर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिए हैं, वेजेस और ओवरहेड्स के बारे में कुछ भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी थी क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ करंट लाइबिलिटी के लिए क्रेडिटर्स जो हैं उन क्रेडिटर्स को यहाँ पर ट्रीट करेंगे, राइट। अब क्रेडिटर्स ट्रीट होने के बाद अगर हमारे पास में कुछ कंटिंजेंसी होगी क्वेश्चन में, कंटिंजेंसी की कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, तो हम लोग उससे फाइंड आउट करेंगे। कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन कंटिंजेंसी के लिए? तो नहीं, कंटिंजेंसी के लिए भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो अल्टीमेटली जो करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस हमारे लिए एवरेज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बन जाएगी, 3,40,000 रुपीज। गॉट इट? होने के बाद हमें क्या करना है, टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस कैलकुलेट करके देना है, जिसमें अलग अलग 3 लेवल्स जो है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, देन उसके अंडर आने वाले बाकी सारे आइटम्स, जो करंट असेट है, करंट लायबिलिटी है, इन्हें हम लोगों को कैलकुलेट करके देना है। तो करंट असेट, टोटल करंट असेट हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट करके रखी है क्या? तो हाँ, 4,60,000 रुपीज़, 4,60,000 रुपीज़ हमारी करंट असेट है। करंट लायबिलिटी 1,20,000 रुपीज़, देन कोर करंट असेट्स। अब कोर करंट असेट्स के लिए हमें कैलकुलेशन दिया गया था या फिर परसेंटेज दिए थे 12%, 12% ऑफ द टोटल करंट असेट, 12% ऑफ 4,60,000। क्या आंसर आएगा 12% ऑफ 4,60,000? 5,500, राइट,
4,60,000 into 12%, 55,200. कोर करंट असेट, अब कोर करंट असेट के लिए कैलकुलेशन हम लोगों को करना है. कैलकुलेशन क्या होगा, तो करंट असेट 4,60,000 माइनस 55,200. आंसर विल बी 4,04,800. कंफर्म करो. गिवन सभी फिगर्स को हम लोग पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, दैट इज लो, मीडियम एंड हाई रिस्क बिजनेस फैक्टर को कंसिडर करके मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इंटू 75%. करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, विच इज 3,40,000 रुपीज. दैट मीन्स 75% ऑफ 3,40,000. दूसरा 75% ऑफ 4,60,000 माइनस 1,20,000. और तीसरा 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट एंड कोर करंट असेट, that is 4,04,800 less current liability 1,20,000. चलो तीनों अमाउंट्स, तीनों फॉर्मूलास यहाँ पर पुट अप करके दिए, एक के बाद एक आप लोग आंसर बताओ. 2,55,000. ओके, 2,25,000. 2,25,000 and next one 1,83,600. तो हम देख सकते हैं कि जब हाई रिस्क बिजनेस फैक्टर्स कंसिडर कर किए जाते हैं तब बैंकिंग फाइनेंस कम प्रोवाइड किया जाता है, और अगर बिजनेस में रिस्क कम होगी तो फाइनेंस ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा. राइट, थर्ड लेवल पे जो 4,04,800 आए थे वो हमारे यहाँ से मिले थे, जो कोर करंट असेट और करंट असेट इन दोनों का डिफरेंस था. एवरीवन, जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें चेंज क्या था, कि हम लोगों को पीरियड जो कैलकुलेट करना था वो एक महीने के लिए दिया था, टोटल ईयर की अमाउंट दी थी, प्लस डेटर्स के लिए जो हमें कंसीडर करना था क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल्स में से कैश और क्रेडिट सेल के कुछ बाइफर्केशंस या कुछ प्रोपोर्शन हमें दिए थे क्वेश्चन में. बाकी टोटल स्ट्रक्चर जो स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए या फिर हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए सिमिलर था, जिसमें हम लोगों ने पर मंथ कैलकुलेट किया था. कुछ रिक्वायरमेंट जो हमें पर यूनिट के लिए या टोटल अमाउंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो वर्किंग नोट्स आज हमें इस क्वेश्चन में लगी ही नहीं. ओके, तो आई होप कि आपको